आपका कोशिश का मैं तारीफ करूंगा, अच्छा कोशिश था। वेट, अभी बात करेंगे ना आपसे। मैं रायपुर इज अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी, आई हैव बीन देयर एज सच, राइट? एंड हैट्स ऑफ टू यू मैम कि आपने आपका जो म्यूजिक का पैशन है वो अब तक बरकरार रखा है और आगे भी आप बरकरार रखोगे। दिस सॉन्ग आई एंजॉयड इट, आई थिंक थोड़ा आप उसमें फेशियल एक्सप्रेशन कभी डालते, बिकॉज ये आशा भोसले मैम का सॉन्ग है, राइट? इन्होंने ये सॉन्ग मेरे सामने पर्सनली गाया था जब हम लोग रियाजें कर रहे थे। तो जो एनर्जी उन्होंने डाला था या जो उनका एक मस्त चार्म एंजॉयमेंट था वो थोड़ा मुझे मिसिंग लगा, राइट दादा? जब हम परफॉर्मेंस करते हैं, मैं क्या बोलूं कि पैशन के बारे में, आपके पैशन के लिए डेफिनेटली हैट्स ऑफ टू यू फॉर योर पैशन। सिद्धार्थ भैया जो बोल रहे थे वो एकदम सही है कि जब हम गाने गाते, जब मस्त हो जाते हैं ना, हम गाने में एकदम मग्न हो जाते हैं, तो वो उसमें एक नशा आ जाता है ना, एक नशा आ जाता है, ऐसा लगता है कि हम लोग डूब गए, लेकिन आप थोड़ा सा कॉन्शियस हो गए थे। कोई बात नहीं है, कमेंडेबल, इट्स वेरी वेरी वेल परफॉर्मेंस। अभिजीत पर थैंक यू मैम फॉर कमिंग हियर। रायपुर से आप चल के इधर पे आए, यही बहुत बड़ा बात है हम लोग के लिए, और ठीक है, गाना ही तो है। थैंक यू। आप लोगों को पसंद आया कि बहुत पसंद आया हम लोगों को, आप आए इस वजह से हमें ज्यादा पसंद आया, थैंक यू सो मच। थैंक यू।